तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रज्वल और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रज्वल रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक काफी तगड़ी वाली हवा देने वाला एक प्रोपेलर बनाकर दिखाने वाला हूं। जो गाइस हम जो मार्केट से प्रोपेलर लाते हैं वो जो काफी ज्यादा कम हवा देते हैं, मतलब ना के बराबर उनकी हवा होती है और शोर तो भाई इतना करते हैं पूछो मत, बहुत फालतू का शोर करते रहते हैं और ऊपर से हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। बट आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपको जो प्रोपेलर बनाकर दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा तेज हवा देगा, काफी दूर तक हवा देगा और ऊपर से वो जो फ्री में ही बन जाएगा घर पे जो है कबाड़ वबाड़ से। और वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, उससे आपको आने वाली जो वीडियो होंगी उनकी नोटिफिक मिल जाएगी और आप और मजेदार वीडियोस देख पाओगे। तो चलो किस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम जो पंखा बनाने वाले हैं वो जो है इस वाली जो बिजली फिटिंग की जो पाइप होती है उसका यूज करके बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा पतली होती है तो इससे हमारा जो पंखा होगा वो लाइट वेट बनेगा, जिससे वो जो है काफी ज्यादा हवा देगा। और आपको भी गाइस जो है बिजली फिटिंग की जो पाइप होती है उसका यूज करना है, ये वाली जो दूसरी पीवीसी पाइप होती है उसका यूज नहीं करना है। इससे जो है पंखा काफी ज्यादा वजनदार बनेगा तो हवा काफी कम आएगी, स्लो घूमेगा पंखा, तो इसलिए हम जो बिजली फिटिंग के पाइप का यूज करने वाले हैं। तो पहले गाइस मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पाइप है ये कितने साइज की है। तो इस पाइप का गाइस जो साइज है वो यहाँ पे जो है 2 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे कि इस पाइप के ऊपर जो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क लगा के इस पाइप को जो है यहाँ पे कट कर लेंगे और एक छल्ला टाइप का कट कर लेंगे। तो गाइस मैंने जो है इस पाइप के ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क लगा के यहाँ पे छल्ला टाइप का कट कर लिया, तो अभी हम इसको जो साइड रख देंगे क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है, तो इसको भी हम जो है बाद में इसका यूज करेंगे तो इसको भी साइड रख देंगे। तो अभी हम गाइस क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा पाइप बचा है इसको हम जो है यहाँ पे बीच में से कट कर देंगे और कट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि हीट गन के द्वारा हम जो इसको गर्म करके जो है एक शीट बना लेंगे। अगर आपके पास शीट गन नहीं है तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप जहाँ पे घर पे चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हो तो वहां पे भी गाइस आप जो इस पाइप को जो है हीट करके जो है शीट बना सकते हो। तो चलो फटाफट से इसको जो है कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए यहाँ पे मैं जो ब्लेड का यूज नहीं करने वाला, यहाँ पे छोटी कैंची से ही काम चल जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा पतली पाइप है, तो इससे ये जो है कट हो जाएगा और काफी आसानी से भी इससे जो है कट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो पाइप को बीच में से कट करके यहाँ पे हीट गन के द्वारा जो शीट बना ली और यहाँ पे 2 बनाई हैं, 2 हमारे जो पंखुड़ियां इधर बन जाएंगी और 2 इधर बन जाएंगी, तो टोटल 4 हम जो है इस जो है रिंग के ऊपर जो है लगाने वाले हैं। तो आप 3 वाला भी बना सकते हो प्रोपेलर, 4 वाला भी बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे 4 वाला बना रहा हूँ। तो अभी हम गाइस क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है पंखुड़ियां को जो ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करना बहुत ज्यादा आसान है। तो मैंने यहाँ पे जो पेपर के ऊपर जो है यहाँ पे एक फैन का जो डिजाइन बना लिया है और इस पंखे का गाइस जो डिजाइन है वो मैंने कैसे बनाया तो मैं आपको बताता हूँ। आपको गाइस क्या करना है कि मैं आपको जो है एक फोटो दे दूंगा एक प्रोपेलर की ये वाले की, तो वैसा आपको गाइस क्या करना है कि आपको जो है उस फोन की स्क्रीन के ऊपर पेपर को रख लेना है और फिर जो ऊपर ऊपर आपको जो है हल्का हल्का सा दिखाई देगा लाइट में, तो उसको आपको जो है मार्कर के द्वारा जो है ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद मार्कर के द्वारा ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमारा जो पंखा डिजाइन कर लेना आपको। और गाइस यहाँ पे मैंने जो पंखा हम जो 10 जो है सेंटीमीटर का बनाने वाले हैं, आप जो पंखा है वो जो फोटो को बड़ा छोटा करके जो है आप उसका जो पंखुड़े का जो डिजाइन होगा, पंखुड़े का नहीं पंखुड़ी का डिजाइन होगा, उसको जो पंखा छोटा बड़ा भी बना सकते हो फोटो को बड़ा छोटा करके। तो यहाँ पे मैंने जो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है पंखुड़ियां बना ली है 4। तो अभी हम गाइस क्या करें, यहाँ पे हमने जो शीट बनाई है यहाँ पे इस शीट के नीचे की साइड में हम जो यहाँ पे जहाँ पे ये वाले पंखुड़ी बनी हुई है तो इसको कुछ इस टाइप से ऐसे यहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो हमने पंखुड़ी बनाई है इसके ऊपर फिर से जो मार्कर से ड्रॉ कर देंगे, तो वो जो डिजाइन होगा वो यहाँ पे नीचे की साइड में छप जाएगा। यहाँ पे मार्कर से करना है और किसी पेन वेन से नहीं होगा, तो मार्कर से ही करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है एक पंखुड़ी बना ली है, तो अभी हम जो है इसको कट कर लेंगे और उसके बाद एक के ऊपर एक रख के जो है 4 कट कर लेंगे। तो चलो फटाफट से गाइस कट कर लेते हैं।
तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो है चारों पंखुड़ी को ड्रॉ करके कट कर लिया कैची के द्वारा। तो अभी कैसे हम इनको जो है इस पीस के ऊपर लगाने से पहले हम इस पीस को जो है एक साइड से बंद कर लेते हैं। और बंद करने के लिए यहाँ पे हमने जो शीट बनाई थी इस पंखुड़ियों को बनाने के लिए उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पीस बचा था तो उससे मैंने जो यहाँ पे एक पीस कट कर लिया। तो इसको हम जो है कुछ इस टाइप से ऐसे यहाँ पे लगा के जो है सुपर ग्लू के द्वारा चिपका देंगे। तो अभी कैसे हम इसके ऊपर जो है इन पीसेस को लगाएंगे। बट इसको जो लगाने से पहले हम गाइस क्या करेंगे कि चारों पीसेस को जो है कुछ इस टाइप से ऐसे जो है गोल कर देंगे। और आपको भी जो है गोल करके लगानी है वरना जो है ये हवा नहीं देंगे। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो है बिल्कुल जो है चारों को इक्वल जो है गोल कर दिया। तो अभी हम गाइस क्या करेंगे कि इन सभी जो है चारों को यहाँ पे एक इधर और एक इधर और एक इस साइड में यहाँ पे सुपर ग्लू के द्वारा चिपका देंगे। और हमें जो यहाँ पे सीधा नहीं लगाना, ऐसे हल्का सा टेढ़ा लगाना, देख सकते हो कुछ इस टाइप से ऐसे लगाना है। तो चलो फटाफट से गाइस चारों को चिपका लेते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो चारों पंखुड़ियों को इसके अंदर जो है लगा दिया। और ऑलमोस्ट गाइस हमारा जो प्रोपेलर है ये बन ही चुका है, बस इसको जो मोटर के साथ जो है लगाने के लिए एक जुगाड़ करना रह गया है। तो इस प्रोपेलर को गाइस जो है इस मोटर के साथ जो है लगाने के लिए हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे मैं जो एक टूटा फूटा मेरे पास जो 5-10 रुपए वाला जो फैन आता है छोटे वाला, उसका बीच का मैंने पार्ट निकाला है। मेरे पास टूटा हुआ घर पे पड़ा था तो उसके अंदर से मैंने जो बाकी जो एक ही पंखी उसकी टूटी हुई थी तो मैंने बाकी भी कट दी क्योंकि वो किसी काम का तो रह नहीं गया था, तो इसलिए मैंने इसका बीच वाला पार्ट निकाल लिया। तो इसको हम जो कुछ इस टाइप से इसके अंदर सुपर ग्लू से चिपका देंगे। और अगर आपके पास गाइस ये नहीं है तो आप पुली का भी यूज कर सकते हो, पुली भी काफी अच्छा काम करेगी। बट ये काफी अच्छा आइडिया क्योंकि ये जो इसके अंदर बिल्कुल एकदम परफेक्ट यहाँ पे लग गया तो इससे जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा, तो इसलिए जो है ये बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करेगा। अगर वाइब्रेशन नहीं करेगा तो काफी अच्छा चलेगा और काफी अच्छी हवा भी देगा। तो चलो फटाफट से इसको भी यहाँ पे चिपका देते हैं। तो गाइस हमारा जो प्रोपेलर है ये बन के कंप्लीट हो चुका है। तो चलो गाइस फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कितनी तेजी हवा देता है। तो इसको गाइस मैं जो ये वाली मोटर के अंदर लगाने वाला हूँ। ये जो मोटर है 4 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट की सप्लाई से आराम से चल जाती है, तो इसको मैं जो 12 वोल्ट की सप्लाई से चलाकर दिखाने वाला हूँ आपको। इसके अंदर हम जो फैन लगाने वाले हैं तो देखते हैं कितनी तेजी हवा देता है। तो ये जो कुछ स्टेप से ऐसे लग जाएगा जैसे नॉर्मल जो हमारा फैन होता है वो लग जाता है। तो अभी गाइस जैसे मैं इसको जो यहाँ पे सप्लाई दूंगा तो ये मोटर जो है चल जाएगी। तो गाइज यार देख सकते हो हमारे जो फैन है ये बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं कर रहा, आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल लाइव प्रूफ, कोई भी जो है इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है क्योंकि काफी अच्छी तरीके से हमें जो है इसके हमने इसको जो है बनाया। तो चलो गाइस अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये जो पंखा है ये कितनी तेज हवा दे रहा है, क्योंकि आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि ये जो पंखा है कितनी तेज हवा दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो काफी सारे कागज के टुकड़े यहाँ पे जो है बना लिए हैं तो इनको मैं आपको उड़ाकर दिखाता हूँ कितनी तेज ये जो है हवा दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है मोटर को कर दिया ऑन। तो यार आपने अभी देखा कि कितनी तेज ये हवा दे रहा, कितनी स्पीड से इसने जो सभी जो है कागज के टुकड़ों को उड़ा दिया। तो अभी गाइस मैं आपको जो इस बड़े कागज को उड़ाकर दिखाता हूँ कि इसको भी काफी आसानी से उड़ा देगा। तो यहाँ पे मैंने किया फिर से मोटर को ऑन। तो यार देखा आपने कि कितनी स्पीड से इसने ये इतने बड़े कागज का जो है कागज को भी उड़ा दिया, बहुत ही ज्यादा तेज हो जो है हवा दे रहा है। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे से वर्क करेगा, वाइब्रेशन नहीं करेगा और इतनी तेज हवा देगा। तो गाइस आप यकीन मानो बहुत ही तगड़ा ये जो है हवा दे रहा, काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर आप जो है इसको बना के किसी प्रोजेक्ट वगैरह में इसको जो यूज करते हो तो आपका जो जो है प्रोजेक्ट जो बनेगा हवा देने वाला, कोई भी कूलर वगैरह या फिर कोई भी आप टेबल फैन वगैरह या फिर कुछ भी बनाते हो तो बहुत तगड़ी वो जो है हवा देने वाला है। और अगर गाइस हम जो है ऐसा फैन जो है मार्केट से लेते हैं तो वो जो है बिल्कुल भी हवा नहीं देता है और ऊपर से गाइस हमारे जो पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये जो है प्रोपेलर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।